वर्ल्ड कप 2019 का 40वां मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा और आज की इस वीडियो में हम इस जबरदस्त मुकाबले के लिए दोनों टीमों की सटीक प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ करने वाले हैं इस मुकाबले की एक हेड टू हेड मैच प्रेडिक्शन। तो दोस्तों, अगर आप भी इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और मैच प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत जाए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर इस मुकाबले के लिए सबसे पहले बांग्लादेश की प्लेइंग 11 देखी जाए तो बांग्लादेश के लिए ओपनिंग करने उतरेंगे तमीम इकबाल और सौम्य सरकार। नंबर 3 पर इनफॉर्म शाकिब अल हसन उतरेंगे। नंबर 4 पर मुशफिकुर रहीम। नंबर 5 पर लिटन दास। नंबर 6 पर महमदुल्ला और नंबर 7 पर मुसैदिक हुसैन उतरेंगे। नंबर 8 पर मोहम्मद सैफुद्दीन। नंबर 9 पर मेहदी हसन। नंबर 10 पर कप्तान मशरफी मुर्तजा और नंबर 11 पर मुस्तफिजुर रहमान उतरेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की रह सकती है बांग्लादेश की प्लेइंग 11। और अब अगर भारत की प्लेइंग 11 देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में भी ओपनिंग करने वाले हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल। नंबर 3 पर कप्तान विराट कोहली उतरेंगे। नंबर 4 पर ऋषभ पंत। नंबर 5 पर महेंद्र सिंह धोनी। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या और नंबर 7 पर केदार जाधव उतरेंगे। नंबर 8 पर मोहम्मद शमी। नंबर 9 पर कुलदीप यादव। नंबर 10 पर यूजी चहल और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह उतरेंगे। तो दोस्तों, भारत की प्लेइंग 11 में पिछले मुकाबलों के हिसाब से कोई भी बड़ा बदलाव हमको इस मुकाबले में नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो हम बता देते हैं कि विजय शंकर अब पूरी तरह से इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। मयंक अग्रवाल को उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया गया है, परंतु इस मुकाबले के लिए वह अभी से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, इसी वजह से इस मुकाबले में ऋषभ पंत को ही मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब अगर इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए तो यह मुकाबला 2 जुलाई को बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। हमेशा से ही जब भी भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबले होते हैं, हमेशा ही बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम को टक्कर देती है। हालांकि दोस्तों, जो दोनों टीमों के पास इस वक्त स्क्वाड मौजूद है, भारतीय टीम का स्क्वाड बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और अब अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो अभी तक भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप इतिहास में कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं। भारतीय टीम अभी तक 2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है और वहीं बांग्लादेश ने भी आज तक भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप इतिहास में 1 वनडे मैच जीता है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखा जाए तो भारतीय टीम का बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा ही शानदार रिकॉर्ड मौजूद है। परंतु दोस्तों, अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मुकाबले में कौन सी टीम बढ़िया क्रिकेट खेलकर इस मुकाबले को अपने नाम करती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने वाली है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।